हाय फ्रेंड नमस्ते, मैं कल्याणी फिर से लेके आई हूँ कि नया डिश। ये बिल्कुल ही नया है, मैं अपनी तरीके से बनाने की कोशिश की। अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से मैं पिज़्ज़ा बनाई हूँ बिना ईस्ट बिना चीज़ के। अभी तो पिज़्ज़ा बिल्कुल नहीं मिल रहा है लॉकडाउन के वजह से, बहुत जनों को खाने का मन करता होगा, इस वजह से मैंने ये पिज़्ज़ा बनाई हूँ। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फ्रेंड आज मैं लेकर आई हूँ पिज़्ज़ा बिना ईस्ट बिना चीज़ के, होम मेड पिज़्ज़ा। इसके लिए मैंने मैदा ली, दही, खट्टा दही ली और थोड़ी सी रिफाइंड तेल और ये नमक और चीनी और मीठा सोडा। और फ्रेंड जो रिफाइंड ऑयल की जगह बटर या देसी घी भी चलेगा, डालडा भी चलेगा। अब मैं मैदे में सोडा और नमक डाल दिया और चीनी, 2 चम्मच चीनी डालूंगी मैं। देखिए अभी इसको अच्छी तरह से मिलाना है और थोड़ी सी रिफाइंड तेल डालूंगी। इस जगह में अगर डालडा डालेंगे तो भी बहुत अच्छा बनता है। देखिए अच्छी तरह से हाथ से मिला के, अच्छी तरह से हाथ से मिला के इसको अब मैं इसमें दही डाल दूँगी। जो मैंने दही लिया था, दही डाल दी 1 कप जैसा। मैं इसमें दही और रिफाइंड तेल दोनों मिला के डाल के मिक्स्ड की। ज़्यादा पानी की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जितना पानी चाहिए उतना पानी से इसको मिला। देखिए ऐसे मिलाना है बहुत अच्छी तरह से, इसको गूंद लेना है मैदे को। मेरा मैदा गूंद गया, देखिए ऐसे गूंदना है। अब मैदे को मैं रेस्ट करने के लिए रखूंगी आधा घंटा जैसा। देखिए जब तक मेरा मैदा रेस्ट कर रहा है तब तक मैं सॉस बना लेती हूँ, व्हाइट सॉस और पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस के लिए मैंने 3 टमाटर, लहसुन, हरी मिर्ची, 2 प्याज, छोटी टुकड़ा अदरक लिया, चीनी और नमक। 1 पैन में मैं पानी डाल के उबालने के लिए रखा है, उसमें लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और प्याज काट के डाल दिया। इसको 5 मिनट तक उबालूंगी। उबालने के बाद देखिए उबल गया मेरा और चारों तरफ काट के दिया था। टमाटर को मैं छील लूंगी और देखिए इसको ठंडा करने के लिए दूंगी। देखिए ठंडा करके मैंने पीस लिया। अब एक कढ़ाई गरम करके उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल लिया और जो बैटर पिसा हुआ था मेरा टमाटर का, वो टमाटर मैंने डाल दिया इसमें कढ़ाई में। तो इसको थोड़ा देर तक भूनूंगी मैं इसको। मेरा टमाटर थोड़ा लाल कम था, आप लोग थोड़ा लाल टमाटर ले सकते हैं। देखिए इसमें मिर्ची पाउडर डाल दिया मैंने और इसमें मैं नमक डालूंगी, चीनी डालूंगी। देखिए ये चीनी है और ये नमक है, डाल के बहुत अच्छी तरह से भूनूंगी। देखिए कम से कम 5 मिनट तक भुना, मेरा पिज्जा सॉस बन गया। देखिए मैं पिज्जा बनाने के लिए एक कढ़ाई में नमक ले लिया मैंने, उसमें एक स्टैंड लगा दिया, इसको प्री हीट कर रही हूँ मैं, सिम आंच पे ढक दिया मैंने। अब इधर से मैं पिज्जा बनाना शुरू करती हूँ। देखिए ये ट्रे को मैं ग्रीस कर लिया तेल डाल के। मेरा मैदा रेस्ट हो गया, देखिए अब इसको अच्छी तरह से फिर से थोड़ी देर गूंदेंगे, इसको सूखा मैदे में भी गूंदेंगे डस्ट मैदा डाल के।
मैदा फिर से थोड़ा सा बहुत अच्छा से कर लिया। अब मैदे को दो हिस्से से दो डो बना लिया मैंने, दो पिज़्ज़ा बनाऊंगी इसमें। मैं इसमें बेलन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, मैं हाथ से ही बनाऊंगी। देखिए हाथ से ही, जो ट्रे में देखिए ट्रे में तेल लगा हुआ है, हाथ से ही पूरा बराबर कर दूंगी। देखिए प्लेट के बराबर हो गया। अब एक फॉग लेके, कोई भी कुछ कांटेदार चीज़ लेके इसमें पिज़्ज़ा फूल ना जाए, इस वजह से थोड़ा छेद छेद करना है हमको। जो मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाया था उसके ऊपर लेयर से लगाना है बहुत अच्छी तरह से। देखिए बहुत बराबर। और फ्रेंड मैं वाइट सॉस ये बनाई हूँ, जो ये पहले ही मैं मैक्रोनी में वाइट सॉस मैक्रोनी में बना के दिखाई, मैं उसमें लिंक में देख लीजिएगा। ये देखिए उसके ऊपर वाइट सॉस डाला, वाइट सॉस भी बिल्कुल बराबर चारों तरफ कर दिया। अब मेरे घर में थोड़ा बहुत कैप्सिकम और अनियन दोनों मिला के, काफ़ी कुछ भी आप टॉपिंग दे सकते हैं, ऑलिव मशरूम चाहे कुछ भी टॉपिंग, पनीर दे। फिलहाल मेरे पास जो था मैंने वही दिया, उस ऊपर से फिर से मैं वाइट सॉस का थोड़ा एक लेयर और डाल रही हूँ, और पिज़्ज़ा सॉस का भी एक लेयर डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। देखिए अब मेरा कढ़ाई प्री हीट हो गया, और ये मैं पिज़्ज़ा चढ़ा दूंगी। देखिए ऐसे कम से कम 25 मिनट में ये बन जाएगा मेरा पिज़्ज़ा। देखिए पिज़्ज़ा मेरा बन गया, इसको उतार के आप चिल्ली फ्लेक्स ओरिगिनो जो भी डाल के जैसे आपको खाने का मन करे सर्व कीजिए। Do 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 do